हेलो फ्रेंड्स वेलकम करता हूं आज की एक और न्यू ऑसम awesome सी वीडियो में आज की वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस के बारे में बताने वाला हूं वर्डप्रेस का लॉन्ग कोर्स लिया हूं जो कि मेरे सब्सक्राइबर काफी लोग मुझे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मैसेज कर रहे थे कि आप ना वर्ड के बारे में कोर्स लाएँ जिसमें हमें वर्ड की वेबसाइट बनाना सिखाएं तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना क्योंकि आज का कोर्स थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको वर्ड का ए टू जेड तक बताऊँगा क्या वर्ड क्या है वर्ड को किस तरह से यूज़ करना है दीम के हैं प्लग वगैरह के हैं क्या वर्ड बेहतर है या फिर ब्लॉगर बेहतर है और अगर आप ब्लॉगिंग आती है आपको क्योंकि वो बेसिक्स के लिए होती है उसमें हमें फीचर नहीं मिलते वर्ड में हमें फीचर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं तो आपको फ्री डोमेन और होस्टिंग का भी यहाँ पे लेके दिखाऊंगा जैसे कि मैंने टेच एप डॉट से सी डॉट कॉम इधर मुझे डोमेन भी फ्री मिली है और ये वर्ड प्रेस के लिए होस्टिंग भी फ्री मिली है एस भी मुझे फ्री में मिला है तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं एक रु रुपया भी खर्च किए बगैर तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वर्ड को आपकी होस्टिंग और डोमेन कहाँ से मिलेगी तो फ्रेंड उसका आपको आई बटन में एक लिंक मिल रहा होगा वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर जाएंगे यहाँ पर मेरे चैनल पर तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक होस्टिंग का वीडियो जो कि सबसे पहले तकरीबन मैंने अपलोड किया था ये वाला ये वाला आप देख सकते हैं थंबनेल तो ये वाली होस्टिंग आप इस पे जाएं और इसको अगर आप ख़रीदते हो तो बिल्कुल फ्री में ज़ीरो रुपए इसमें ऑफर है लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगा होस्टिंग भी और डोमेन भी तो अगर आप बिगनिंग करना चाहते हो तो इधर से स्टार्ट कर सकते हो जैसे कोई आपको आ जाए बिगनिंग आ जाए आपको वर्ड प्रेस चलाना तो आप अपना वर्ड प्रेस का ब्लॉग डोमेन वगैरह ख़रीद के बना सकते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वर्ड होता क्या है वर्ड प्रेस एक सी एम एस है जैसे हमारे पास ज़ूमला भी आ जाता है और भी काफ़ी ज़्यादा सी एम एस आ जाते हैं सी एम एस हमारे क्या प्रोवाइड करते हैं हमें ऑनलाइन डाटे को मैनेज करने को प्रोवाइड करते हैं हमें कोड लिखना नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक ही हो जाता है ठीक है तो सबसे जो आसान सी एम एस और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सी एम ए वर्ड प्रेस है, क्योंकि वर्ड प्रेस पर काफ़ी ज़्यादा जो वेबसाइट्स हैं नाइन्टी परसेंट वेबसाइट, वेबसाइट वर्ड प्रेस पर बनी हुई हैं तो आपको वर्ड प्रेस आनी बहुत ज़रूरी है अब ब्लॉगर यार इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ब्लॉगर जो है उसमें हमें फीचर बहुत कम मिलते हैं वट्सएप वर्ट पर वर्ट्सऐप के एर सॉरी वर्ड प्रेस पर तो इतने फीचर मिलते हो आप जो चाहो वो खुद कर सकते हो तो एक बात मैं आपको कोर्स शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपके पास टाइम है तो अभी देख लें अगर टाइम नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इसको से, सेफ जगह कर लें अब इसको सेव कर लें प्ले में बुक मार्क कर लें साइट को क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस तो अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ वीडियो को मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले फ्रेंड मेरे पास ये वेबसाइट है तो मैंने इस पर वर्ड इंस्टॉल किया हुआ है तो वर्ड को किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करना है वो सारा इसी वीडियो में मैंने बता दिया था कि किस तरह से वर्ड को फ्री में होस्टिंग लेकर इंस्टॉल करना है तो आप इस वीडियो को देखो अपने वर्ड को इंस्टॉल कर लोग इंस्टॉल करने के बाद जो फ़र्स्ट लुक आपका होगा किसी भी शायद व वेबसाइट पर हो शायद बेशक वो इस वेबसाइट पर हो जो मैंने लिया बेशक वो अगर आप सी पैनल से इंस्टॉल करते हो उधर से हो तो अब भी आपका पहला पेज कुछ इस तरह से होगा तो आप अपने वर्ड प्रेस में अपने लॉग इन किस तरह से करना है कोई भी फ्रेंड आपने वर्ड प्रेस की वेबसाइट बनाई आप कोई भी वेबसाइट ले लो जो वर्ड प्रेस पर बनी है तो आपने उसके साथ डब्ल्यू पी एडमिल लिख देना है आप देख सकते हैं डब्ल्यू पी और इसके साथ ये वाला छोटा सा आ, कॉलन और इसके साथ एडमिन लिख देना है इसके साथ ही आपने क्या करना है एंटर पे क्लिक कर देना है तो आपके पास ये देख सकते हैं वर्ड का एक पेज ओपन होगा हर बंदे के पास सेम टू सेम पेज ओपन होगा तो जब जैसे ही आप वर्ड अपने इंस्टॉल करोगे होस्टिंग में तो आपसे एक यूज़र नेम मांगेगा और एक पासवर्ड भी मांगेगा तो आपने उधर जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाला होगा वो इधर यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर आकर टाइप कर देना है टाइप करने के बाद फ्रेंड आपने लॉग इन पे क्लिक कर देना है और ये वेबसाइट में साथ साथ आपको चला के भी दिखा देता हूँ ताकि जो भी हम चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर हमें शो हो जाएंगे तो आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट पे ओपन हो गई है तो हमारे कुछ फ़र्स्ट लुक हमारी वेबसाइट का कुछ इस तरह से आ रहा है फर्स्ट लुक हमारी वेबसाइट का कुछ इस तरह से है हमें अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है तो अपडेट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका सबसे पहला जो ऊपर बार मिल रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ ये हमारा वर्ड का एक बटन आया तो थो, जैसे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है अभी तो हमें क्या क्या अपडेट चाहिए बाद में बात करते हैं सबसे पहले एक ये बटन मिल जाता है इसमें अबाउट वर्ड प्रस है इसका हमारा कोई काम नहीं है वर्ड प्रेस डॉट ओ आर जी इसमें भी कोई काम नहीं डॉक्यूमेंटेशन इसमें हमारा कोई काम नहीं है तो आपको एक होम का आइकन मिलेगा जैसे आप क्लिक करोगे तो विजिट साइट का ऑप्शन मिलेगा तो जैसे आप इसको ओपन लिंक करोगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी इसका मतलब है कि आपकी साइट को ये ओपन करने का लिंक है दूसरे नंबर पर हमें बता रहे हैं अपडेट्स का ऑप्शन यहाँ पर हमें कितने कमेंट आए हैं न्यू का ऑप्शन न्यू आप पोस्ट मीडिया कैटेगरी हम कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें अपना जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें प्रोफाइल अपनी नज़र आएगी एडमिन एडिट प्रोफाइल और लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है तो जैसे अगर आप किसी वेबसाइट पर जो ब्लॉगर की वेबसाइट पर तो नीचे आ रहा हो पोस्ट बाय एडमिन तो यहाँ पर अगर आप नेम चेंज करोगे तो पोस्ट बाय नेम भी चेंज हो जाएगा और इमेज भी यहाँ से चेंज हो सकती है तो यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड जब आपने सबसे पहले आप देख लेते हैं पोस्ट आ रहा है पोस्ट के अंदर आप सारी जितनी भी पोस्ट करेंगे पोस्ट से मुराद में आपको साथ साथ दिखाता भी रखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना क्योंकि इस वीडियो में आपको रैंकिंग का भी मेथड बताने वाला हूँ और बिल्कुल ज़ीरो से एंड तक आपको जितनी भी इनकी पर्सनल मेथड है वो आपके साथ शेयर करूँगा वर्ड का तो कुछ इस तरह का मैंने दीम इंस्टॉल किया हुआ है आप देख सकते हैं तो ये वाला दीम भी आपको मैं इंस्टॉल करके बिल्कुल इस तरह की वेबसाइट भी बना के दिखाऊँगा तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें मिल रहा है पोस्ट का ऑप्शन पोस्ट क्या होती है ये जो है ये सारी एक पोस्ट है ये बिल्कुल एक आर्टिकल को हम पोस्ट कहते हैं उसके बाद हमारे पास मीडिया आ जाता है मीडिया में हम जो भी मीडिया ऐड करेंगे जैसे कि ये मैंने इमेज यहाँ पर ऐड की हुई है तो ये वाला सारा मीडिया में आपका शो होता रहेगा कि आपने जितनी भी इमेजेस अपने वेबसाइट में ऐड की हुई हैं उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेजेस अब पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क है पोस्ट तो जो ये नज़र आ रही है और पेजेस ये हैं जैसे कि मैं लेटेस्ट पे क्लिक करता हूँ ये मैंने कैटेगरीज बनाई हुई है अगर आप इसको पेजेस भी बनाना चाहिए तो बना सकते हैं तो मैंने बनाई हुई है कंटेक्ट का पेजेस पेज अबाउट एस का पेज तो इनको पेज कहते हैं देखना जैसे मैं इसको ओपन लिंक करता हूँ तो हमें सिर्फ अबाउट अस का ही सेक्शन नज़र आएगा और कुछ भी नज़र नहीं आएगा पेज में और अगर हम चले जाते हैं पोस्ट में जैसे मैं पोस्ट पर क्लिक करता हूं तो आप किसी भी पोस्ट में जाएंगे तो आपको नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा कुछ नजर आ रहा होगा जो भी आपने इधर किया होगा लीव कमेंट का ऑप्शन तो अगर आप पेज बनाएंगे तो आपको उसमें नजर नहीं आएगा बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं उसके बाद हम आ जाते हैं कमेंट जो भी आपका कमेंट आएगा इधर शो होगा अपेरेंस में आ जाते हैं अपेयरेंस में पहला हमें ऑप्शन मिल जाता है डीम का दीम आपको बेसिकली पता है डीम का होता है आप दीम हमने कहाँ से लेने हैं फ्रेंड आपको बहुत ज्यादा ना ऑनलाइन नल्ड दीम मिलते हैं तो आपने ल्ड को यूज नहीं करना क्योंकि आपकी वेबसाइट पर इफेक्ट बहुत पड़ता है उससे आपकी स्पीड स्लो हो जाती है और आपका यूजर और एडसन फ्रेंडली नहीं वो रहती है ना वो यूज करें फ्री वाले या पेड वगैरह वाले दिम आप यूज करें कर फ्री वाले ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं पेड वाले दीम भी फ्री में मिल जाते हैं उसकी भी ट्रिक्स आप देख सकते हैं यूट्यूब पे काफ़ी भरी पड़ी हैं तो यहाँ पर आने के बाद डीम या कस्टमाइज आप डीम को करना चाहिए यहाँ से कर सकते हैं विजिट विजिट अब क्या होता है यार विजिट होता है हमारे पास जैसे कि हमने कोई इमेज इम, ऐड करनी है उसको हम विजिट कहते हैं कोई आडियो ऐड आड़ करना है तो हमारे विजिट में आ जाता है तो उसके बाद आता है हम मेन्यू में मेन्यू हमारे पास क्या होता है मेन्यू ये जैसे कि ये एक मेन्यू है जिसमें बटन होते हैं और उसके अंदर एक लिंक्स होते हैं तो ये भी एक मेन्यू है और ये अलग से एक मेन्यू है तो हम जैसे नीचे आ जाएं तो ये भी एक मेन्यू है तो इसको हम कहते हैं मेन्यू बाकी सारा ये कुछ आपको पता होगा बैकग्राउंड थीम एडिटर में बाद में बात करेंगे प्लगइन्स वगैरह प्लगइन का फ्रेंड वर्डप्रेस और ब्लॉगर में एक यही फर्क है कि प्लगइन का उनमें फर्क है प्लगइन जो होते हैं ना वो आपका काम को इतना आसान कर देते हैं और आपका काम मतलब आपको करना ही नहीं पड़ता इतने वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं और ये भी आप देखोगे तो एक प्लगइन है जिसके की अपडेट मुझे आई हुई है योस्ट डुप्लीकेट पोस्ट का एक प्लगइन है योस्ट का तो ये भी एक प्लग है उसके अलावा आपको सारे प्लग के बारे में बताऊंगा कि प्लग को यूज़ किस तरह से करना है कौन कौन से प्लग होते हैं जो पॉपुलर प्लग इन उनके बारे में भी आपको बताऊंगा यूज़र आप इधर से ऐड कर सकते हैं अगर आपकी एक कंपनी है अगर आपकी एक पूरी टीम है तो आप सारे को जी इधर एड कर सकते हैं और वो अलग अलग जी से लॉग कर पाएंगे और अगर आप उनको वो भी देख सकते हैं कि वो सिर्फ आपकी पोस्ट कर सके वो कंपेंट मॉडरेट कर सके तो आप उनको रिक्वेस्ट ये भी इधर से ऑप्शन कर सकते हैं टूल्स की बात करें तो अवेलेबल टूल में आपको जो भी टूल्स होंगे वो नजर आएंगे इंपोर्ट में आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से टूल्स को और इधर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं पर्सनल डाटा और यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद आप दोबारा से किसी और वर्ड प्रेस की साइट में इंपोर्ट कर पाएंगे सेटिंग में जनरल आ जाता है जनरल में आ, हमें बाकी वेब अभी ओपन करके मैं आपको एक एक दिखाऊंगा उसके पहले राइटिंग आ जाता है डिस्कशन ये हमारे इतने काम के नहीं है परमा लिंक के काम के और जनरल में सबसे पहले हम सेटिंग के जनरल में चले जाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जनरल में क्या है हमारे तो ये हमारे जनरल में आ गया उसके फ्रेंड में आपको एक चीज़ दिखाऊं कि यहाँ पर हमारे वेप, पहले वेबसाइट का यू आ रहा है तो आपने इस किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करना तो यहाँ से आपने किसी चीज़ को चेंज नहीं करना सिर्फ़ आपने नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद फ्रेंड आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ किसी भी पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ऊपर क्या आ रहा है हाउ टू गेट फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो मेरा पोस्ट का टाइटल है ये मेरा टाइटल ये वाला इधर आ रहा है और अगर मैं अब इस वेबसाइट की हेलो वर्ड को ओपन करता हूँ तो फ्रेंड अब देखना ऊपर क्या आ रहा है तो यहाँ पर आ रहा है 2021 हजार इक्कीस एक चौदह हेलो वर्ड तो हमें ये डेट शो कर रहा है और यहाँ पर हमें सिर्फ ये शो कर रहा है तो आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है कि इसको हम कहते हैं परमा लिंक जो किसी भी इसका जो लिंक होता है ना इस पोस्ट का तो उसको हम जो भी इसके साइड में आ रहा होता है हमारी वेबसाइट को उसको हम कहते हैं परमा लिंक तो परमा लिंक यहाँ से हमने किस तरह से चेंज करना है आप देख सकते हैं डेट फॉर्मेट आपने डेट किस तरह से रखनी है इसका जनवरी फोर्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आप डेट इस तरह से रखना चाहते हैं इस ये सारी आपके पास डिटेल्स आ रही हैं कि आपने डेट किस तरह से रखनी है सबसे पहले आपके पास ईयर मंथ डे आ रहा है उसके बाद मंथ डे ईयर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं टाइम फॉर्मेट रख सकते हैं ट्वेल्व इलेवन या ट्वेल्व इलेवन पी एम छोटा आना पी एम बड़ा आएगा इसके अलावा अकेला ट्वेल्व इलेवन इलेवन आएगा सॉरी और इसके अलावा आप जो कस्टम में आके कुछ भी खुद में कर सकते हैं तो इसकी कुछ बाई डिफॉल्ट सेटिंग परमा लिंक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास डेट फॉर्मेट यूनिवर्सल डेट फॉर्मेट ये है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इस डेट फॉर्मेट को प्रीव्यू फोर्टीन जनवरी टू आ रहा है तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो इक्कीस एक चौदह ये मेरे पास शो हो रहा है ये हमारा जनरल तो यहाँ से आपने सारी चीजें देख ली क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं अगर आप डेट चेंज करना चाहिए यहाँ पर आने की वो डेट चेंज कर सकती हैं नीचे जो डेट होती है जैसे बेसिकली आप पोस्ट करते हैं यहाँ पर आ रही है जनवरी सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो ये वाली डेट आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से यहाँ से आकर ठीक है तो आप जैसे भी रखना चाहिए वैसे बाई डिफ़ॉल्ट यही होता है पहले मंथ आ रहा होता है उसका नेम उसके बाद डेट आ रही होती है उसके बाद ईयर आ रहा होता है तो बाई डिफ़ॉल्ट ये होता है अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहिए तो इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ पर आने के बाद अगर हम आऊँ सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर हमें मिल जाता है परमा लिंक ऑप्शन तो परमा लिंक मैंने आपको पहले बताया कि जो भी हमारे डॉट कॉम के आगे स्लैश के आगे जो भी होता है उसको हम परमा लिंक कहते हैं जैसे कि इधर हमारे पास डेट शो हो रही है पहले ईयर शो हो रहा है फिर डेट शो हो रहा है सॉरी उसके बाद मंथ शो हो रहा है उसके बाद डेट शो हो रही है रही, उसके, बाद हो उसके, बाद हो रही, उसके बाद हमारी वेबसाइट ये पोस्ट का टाइटल शो हो रहा है तो आपने इसको किस तरह से चेंज करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर चेंज किया हुआ है यहाँ पर सिर्फ टाइटल ही मेरे पास शो हो रहा है तो इसको करने के लिए मैं नीचे आ जाता हूँ ये देखेंगे जैसे हम परमा लिंक पे क्लिक करता हूँ दोबारा से आपको दिखा दूँ जैसे मैं परमा लिंक पे क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से मेरे पास डैशबोर्ड ओपन हो जाता है यहाँ पर आ रहा है प्लेन टेच हाफ डॉट कॉम तो जैसे मैं ये करूँगा तो हमें ये पेज की एक आईडी दे देगा हर पेज की एक यूनिक आईडी हमें बना के दे देगा किसी की इसकी वन टू थ्री अगले की वन टू फोर हो सकती है वन टू सिक्स हो सकती है अगर मैं इसको प्लेन करके सेफ चेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मेरी पोस्ट होगी उसमें ऑटोमेटिकली जितनी भी आपकी पोस्ट होंगी अगर आप बाद में भी कर रहे हो तो बाद में भी सब कुछ रेडी कर लेगा तो जैसे इसको मैंने प्लान किया और जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कुछ किस किस तरह से अब शो हो रहा है तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा तो जैसे मैंने यार इस पर क्लिक किया आप देखोगे जो पेज की आईडी है वो पेज के आगे थ्री लिखकर आ गया मेरे पास जो कि पहले हमारे पास वो शो कर रहा था डे दे, डेट और, और उसके बाद टाइटल तो मैंने यहाँ से जैसे फर्मा लिंक पर चेंज किया तो यहाँ पे चेंजेस हो गया तो आपका ये वाला भी एक क्वेश्चन क्लियर हो गया उसके अलावा आप जैसे भी करना चाहें जो कि मैंने अपनी वेबसाइट में किया सिर्फ मैंने टाइटल को ही रखा है तो आप सिर्फ टाइटल को रखना चाहते हैं तो हमारे पास जो डेट एंड डे वाला था ये वाला एक्टिव था जो बाई डिफ़ॉल्ट था मंथ और नेम वाला अगर आप रखना चाहें नूमैरिक रखना चाहें के आगे वन टू थ्री और पोस्ट नेम सिंपल सैम्पल पोस्ट का जो नेम है वहाँ पर मैं पोस्ट नेम ही रखा हुआ था इधर भी और मैं इसी वेबसाइट पे भी पोस्ट नेम ही सजेस्ट करूंगा आपको बाकी जैसा आपका दिल करें आप खुद रख सकते हैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ पर भी तो जैसे अब मैं दोबारा से अपनी वेबसाइट पर चले जाता हूँ अब वेबसाइट पर जाने के बाद मैं दोबारा से जैसे हेलो वर्ड पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे सिर्फ हेलो वर्ड आ रहा है तो आप यहाँ से अपने परमा लिंक को कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसके बाद हम आ जाते हैं जी पोस्ट पर तो हमें सबसे पहले बात आ जाती है पोस्ट किस तरह से हमने लिखनी है और यहाँ पर नीचे एक एडिटर का ऑप्शन होता है आपने उसको चेंज नहीं करना क्योंकि उस पर बाई डिफ़ॉल्ट क्लासिक ही होता है तो आपने क्लासिक रहने देना उसको मैं आपको नहीं बता रहा कि आपने किस तरह से उसको चेंज करना है क्लासिक यूज़ होता है तो आप उसको क्लासिक ही रहने दे टाइम वेस्ट ही है उसको मैं बताऊँ कि ये भी है और ये भी है तो उसको रहने देते हैं तो सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पोस्ट होती है वो हमारे पास हेलो वर्ल्ड की पोस्ट आ रही होती है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ इसको ट्रैश कर देता हूँ दोबारा से एक न्यू पोस्ट बना के दिखाता हूँ तो और इसको मैं क्या करता हूँ एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ अपने वेबसाइट को तो आ रहा है नथिंग हेयर तो सबसे पहले आ जाते हैं यार दीम की बात तो पोस्ट बाद में लिखेंगे सबसे पहले बात कर लेती हैं दीम की दीम हमारे पास क्या है जैसे ये सारे दीम है तो दीम हमने कहाँ से लेना है तो वर्ड में एक ये भी फायदा है हमें बहुत ज्यादा के बहुत सारे फ्री में डीम हमें मिल रहे होते हैं यहाँ पर तो जैसे ही मैं आ जाता हूँ पेरेंट्स के अंदर दीम में दीम में आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी मैंने पहले दीम इंस्टॉल किए थे वो यहाँ पर आ रहे हैं मैं क्या करता हूँ ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है अपलोड दीम का अगर आप कहीं से डाउनलोड करते हैं दीम तो यहाँ पर अपलोड करेंगे अपलोड करके चूज फाइल करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा इसके अलावा जो वर्ड प्रेस के अंदर प्री पेड होते हैं जो कि पहले से ही यहाँ पर होते हैं वो देखेंगे आप एक तो वो फ्री होते हैं एस फ्रेंडली भी होती हैं और बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंड आपको यही यूज़ करने चाहिए जो अंदर होते हैं इसके तो आप अगर आप अपलोड करना चाहिए तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अगर आप अपलोड नहीं करना चाहते सिर्फ यहाँ से सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं जो कि फ्रेंड मैं यूज़ कर रहा हूँ थी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो वो वेबसाइट टच हाफ डॉट कॉम पर अगर जो मैं दीम यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड ये देखें आप कितना स्पीड वाला दीम है तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ वो हालांकि मेरे नेट की स्पीड भी बहुत स्लो है लेकिन फिर भी वो ऑन हो जाता है जैसे मैं किसी पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड आप देखेंगे कि कितनी जल्दी इसकी फ़ास्ट स्पीड है और अगर आप गूगल के लेना चाहते हैं अब गूगल एडसन का अप्रूवल तो आपको चाहिए होगी फास्ट स्पीड क्योंकि गूगल उसी वेबसाइट को अप्रूव करता है जिसकी स्पीड फास्ट होती है और जो अगर आप रैंक करते हो तो आपकी स्पीड पे बहुत मैटर करता है जब आप रैंक करते हो कि आपकी स्पीड अच्छी होगी तभी आप ज़्यादा रैंक करते हो वरना आपके इफ़ेक्ट पड़ जाते हैं वेबसाइट पर तो होस्टिंग आपने अच्छी लेनी है होस्टिंग अच्छी होगी तो स्पीड अच्छी होगी उसके अलावा आपने दीम मैं बता देता हूँ जो कि मैंने डीम यूज़ किया हुआ है एक तो सिंपल डीम है उसके अलावा कोई ज़्यादा नहीं है कि इधर से और इधर से इसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है सिंपल सा दीम है तो फ्रेंड ये वाला दीम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अगर आप भी ये डीम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसका नाम है जेनरेट प्रेस तो यहां पर आकर मैं सर्च कर लेता हूँ जनरेट प्रेस थीम को जैसे फ्रेंड मैं जनरेट प्रेस थीम को सर्च करता हूँ तो फ्रेंड मेरे पास जो पहला थीम आ रहा है वो आ रहा है जेनरेट प्रेस तो आपने क्या करना है इसको इंस्टॉल कर लेना इंस्टॉल करते हैं जैसे आप किसी भी दीम को इंस्टॉल करोगे बेशक वो अपलोड होगा तो इंस्टॉल होगा इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर बटन आ जाएगा एक्टिवेट का और अगर आप उसको अपलोड करते हो यहाँ पर आपको बटन आ जाएगा एक्टिवेट का तो आपने उसको एक्टिवेट कर लेना और मैं यहाँ से उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ जैसे मैं उसको एक्टिवेट करता हूँ तो आप देखोगे हमारा दीम तो एक्टिवेट हो गया लेकिन इसमें ज़्यादा फर्क नहीं अभी पड़ा हमारी वेबसाइट में जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आप देखोगे दीम तो हमारा एक्टिवेट हो गया देखें कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट की लुक तो आ गई है लेकिन ये सारे बटन वगैरह किस तरह से बनाने हैं तो उस पर पूरा यार एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि ये दीम को किस तरह से यूज़ करने है क्योंकि इस वेबसाइट में सिर्फ आपको मैं यूज़ करना सिखा रहा हूँ वर्ड का तो दीम के बारे में अभी इतना नहीं बताऊँगा तो सिंपल थोड़ा थोड़ा सा सिंपल आपको बता देता हूँ सबसे पहले हमारे पास बुलेट विद जनरेट प्रेस आ रही है कि ये इनका जो कि है हम इसको रिमूव भी करना चाहें तो रिमूव वैसे तो नहीं कर सकते एच कोड के अंदर लेकिन एक है एक्सटेंशन वर्ड की जहाँ से मैं देखे मैंने रिमूव किया हुआ है विद टच हाफ मैंने लिखा हुआ है जहाँ से रिमूव करके तो अगर आप ये किसी भी दिन का फोटर क्रेडिट रिमूव करना चाहते हैं तो लिंक आपको एक तो आई बटन में मिल रहा होगा दूसरे नंबर पर मैं, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ यहाँ पर जाने के बाद ये वीडियो है बिफोर और आफ्टर फ्रेंड ये वाला अगर आप यूज़ करेंगे ट्रिक तो आपका हंड्रेड परसेंट से आपका फोटर क्रेडिट रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि यार वर्ड प्रेस कमेंट ऑन डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पर मैं चले जाता हूँ प्लग इन पर तो प्लग इन पर जैसे कोई भी आपके पास अपडेट आए तो आपने डेली से अपडेट रखनी है तो ये मेरे पहले वाले दिन पहले वाले प्लग इन इंस्टॉल है तो मैं क्या करता हूँ यार इनको एक बार डिलीट कर देता हूँ इससे पहले जो मैंने वेबसाइट बनाई थी उस पर सारे मैं चेकिंग के लिए इंस्टॉल किए हुए थे प्लग इन तो मुझे तो अब इनकी ज़रूरत नहीं है सिंपल मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड अब आकर के हमने किस तरह से पोस्ट क्रिएट करनी है और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नेम आ रहा है पल्स ऑफ द ब्लॉग फेयर तो हमने इसको किस तरह से चेंज करना है और यहाँ पर हमने कस्टमाइजेशन किस तरह से करनी है थोड़ी सी हम उसकी तरफ बात कर लेते हैं तो एक ही वीडियो में आपको मैं सब कुछ बता दूंगा जो भी मेरे पास है मेरे जो सारे प्लग थे वो सारे अन हो चुके अब मैं चले जाता हूँ अपने पोस्ट के अंदर पोस्ट में जाता हूँ आल पोस्ट में आ जाता हूँ तो उससे पहले मैं बात कर लेता तो हमने इसको कस्टमाइज़ किस तरह से करना है इसके दो ऑप्शन है एक तो ऊपर कस्टमाइज़ लिखा है इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप अपीयरेंस में आएंगे तो दीम के नीचे भी आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिल जाता है तो दीम से तो हमने दीम चेंज कर लिया अब कस्टमाइज़ से हमने दीम को कस्टमाइज़ करना है कि तो हमें दीम किस तरह के नज़र आना चाहिए आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं आप इसको बेहतर से बेहतर भी कर सकते हैं क्योंकि जो प्लग होते हैं वर्ड के वो कुछ भी आपको कर सकते हैं जो कि ब्लॉगर आपको इसकी नहीं देता फ्रीडम लेकिन हमें जो वर्ड प्रेस है वो पूरी फ्रीडम देता है कि आप जो करना चाहें बिल्कुल अपनी वेबसाइट पर कर सकते हैं और एक तो फ्री भी है कुछ इसके पेड प्लगइन्स भी होते हैं पेड दिन भी होते हैं लेकिन मैं सुगेस्ट करूंगा कि आप फ्री यूज़ करें यहाँ पर कुछ मैं कस्टमाइज़ पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से मुझे कस्टमाइजेशन मिल जाएगी लोड सेम सेम तो जैसे हम इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टाइटल सर्च बार का टाइटल तो हमने सर्च बार को नहीं छेड़ना तो उसके नीचे आपके पास आ रहा है रिसेंट कमेंट्स आ रहा है और उसके बाद रिसेंट पोस्ट आ रहा है तो पोस्ट हमने कोई की नहीं है तो अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आऊँ तो मैंने एक यहाँ पे यूज किया हुआ अपने चैनल के सब्सक्राइब का बटन अगर आप ये भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं प्लग इसका मैं मैं आपको बता दूंगा उसके अलावा मैं बता देता हूँ रिसेंट पोस्ट लिखा हुआ है उसके बाद मैंने कैटेगरीज़ यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है रिसेंट पोस्ट उसके बाद में रिसेंट कमेंट की जगह मैंने किया हुआ है कैटेगरी अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं रिसेंट कमेंट को तो आपने इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको रिमूव का ऑप्शन में आएगा तो आपने इसको रिमूव कर देना अब अबारा ऐड है विजिट तो जैसे मैंने आपको बताया था विजिट वो होता है जैसे कोई ऑडियो को हमने यहाँ पर करना है या फिर कोई भी चीज़ को तो यहाँ पर मैं विजिट जो लेने वाला हूँ यहाँ जो से कैटेगरीज़ मैं लेने वाला हूँ विजिट तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कैटी ये हम देख सकते हैं कैटेगरीज का ऑप्शन मिल गया और ये देख सकते हैं डिस्प्लेट ड्रॉप डौ, डौ, डाउन आप इसको शो करवाना चाहते हैं यहाँ आप पर आपको सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे तो सिंपल मैंने तो इतना कस्टमाइज़ इसको नहीं किया जैसे अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं इसको बस मैंने आपको बता दिया इसको किस तरह से कस्टमाइज़ करना है अब जैसे मैं इसको बैक कर लेता हूँ उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ऊपर एक द पल्स ऑफ जो हमारी वेबसाइट का नेम है जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास साइट का टाइटल शो हो रहा है तो यहाँ पर अगर मैं अपनी साइट का टाइटल अभी देने वाला हूँ टच हाफ टेस्ट कुछ इस तरह से मैंने टाइटल दिया तो आप देखेंगे मेरे पास टाइटल शो हो गया अगर आप इसको हाइड दिस टैग लाइन पर क्लिक करेंगे वैसे भी यहाँ पर शो नहीं हो रही तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं तो सॉरी अगर हाइड पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी और अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो आप इसको अनहाइड करके यहाँ से टाइटल चेंज कर सकते हैं तो ज़्यादातर ये यूज़ तो नहीं होती मैंने भी ये यूज़ नहीं की हुई अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं नहीं तो इसको हाइड कर सकते हैं और अगर आप दोनों को हाइड कर सकते हैं इसको भी हाइड कर सकते हैं यहाँ पर अपना लोगो अपलोड करेंगे और यहाँ पर जो भी लोगो अपलोड करेंगे उसके तो साथ ही आपको मीडिया लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर सारा आपका मीडिया लाइब्रेरी में शो हो रहा होगा लोगो तो यहाँ से आप इसका लोगो चेंज कर सकते हैं उसके अलावा मैं बैक आता हूँ तो आपको लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है लेआउट में आप जाएंगे तो कंटेनर कंटेनर का मतलब ये है कि जो ये है ना हमारे पास ये वाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको दिखा भी दूँ थोड़ा सा कस्टमाइज करके जो हमारे पास ये देखेंगे तो आप कुछ इस तरह से आपको ये वाइट नजर आ रहा होगा एरिया तो इसको हम कहते हैं कंटेनर ये एक अलग कंटेनर है ये एक अलग ये देखें और इसी तरह ये ऊपर वाला एक अलग है ये डिवाइड हुआ हुआ है तो इसको हम कहते हैं कंटेनर यहां पर आने के बाद आपको कंटेनर का ऑप्शन मिल जाता है यार मैं तो मैं कंटेनर से वापस आता हूँ तो यहाँ पर अगर आप इसकी विर्थ ज़्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो इसको आपने नहीं छेड़ना मैं इसको नहीं कहूँगा कि आप इसको चेंज करें हेडर पे आ जाते हैं अब सबसे पहले हेडर अब हमने ये जो भी ये ऊपर वाला जो भी होता है उसको हम हेडर कहते हैं तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ तो ये वाला सारा एरिया जो होता है ना जिसमें हमारा लोगो आ रहा होता है जो भी बटनज आ रहे होते हैं वो हमें हेडर कहलाता है हमारा तो ये वाला हमारा हेडर होता है सिंपली हेडर के बाद फ्रेंड आपको मैं दिखाऊं तो हेडर के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हेडर प्रेजेंट करंट तो आपने इसको करंट रखना है अगर आप इसको क्लासिक करोगे तो इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा अगर आपने क्लासेज का क्लासिक करोगे कुछ इस तरह से इसका स्टाइल आ जाएगा यहाँ पर आपका लोगो आ रहे है और यहाँ पर आपके सारे बटन आ रहे होंगे इसके अलावा आप इसको जैसे चाहें चेंज कर सकते हैं तो मैं इसको करंट ही रखूँगा जैसे मैंने यूज़ किया हुआ है अगर आप इसको जिस तरह से मर्जी यूज़ कर सकते हैं तो एक तो मैं इसको भी हाइड करूँगा इस टैग लाइन को तो लेआउट हैडर का आपको बता दिया उसके बाद हेडर बिड तो आपने इसको फुल रहने देना इसको आपने चेंज नहीं करना हैडर के नीचे आ जाना प्राइमरी नेविगेशन तो आप इसको फ्लोट राइट right का ऑप्शन है तो इसको भी आप रहने दें साइड बार तो साइड बार भी हमने नहीं लगानी अभी तो फुटर आप फूटर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा तो आपने फुटर में विजिट आप कितने यूज़ करना चाहते हैं जो भी हमारे बॉक्स होते हैं जैसे कि आप देखेंगे कि एक ये हमारा रिसेंट पोस्ट का विजिट आ गया एक अबाउट ब्लॉक का विजिट और एक कॉन्टेक्ट अस का विजिट हमारे पास शो हो रहा है ये सारा फ्रेंड मैंने एच से किया हुआ है तो अगर आपको इसका कोड चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट कर देना आप तो ये हमें दिन में प्रीपेय नहीं मिलेगा हमें खुद से बनाना पड़ेगा तो एड्स जिसको एच डी एम एल आती है वो तो सिंपल आसानी से इसको बना लेगा और जिसको नहीं आते वो कमेंट करें मैं उसको कोड प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पर आने के बाद मैं जैसे बैक जाता हूँ और ब्लॉग पे आ जाता हूँ ब्लॉग पे आपको दिख जाएगा कुछ इसको भी आपको रहने देना और इसके बाद जाते हैं कलर कलर आपने जो भी रखना है कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं ये वाला जो कलर्स है हमारा होगा लिंक का कलर जैसे कोई लिंक पेस्ट करूँगा तो फ्रेंड आप देखेंगे ये वाले कलर्स लिंक के आ रहे हैं ये वाला मेरा मेरा लिंक है इसका कलर आ रहा है उसके अलावा कमेंट और जो भी लिंक्स हो गए ना जो एक एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो उसका कलर होगा ये वाला बिलू बाई डिफाल्ट बिलू ही होता है हर जगह आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं क्लिंक होवर जैसे उस पर होवर होगा होवर का मतलब है जैसे ही हम उस पर ये माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा जैसे मैं इसको प्वाइंटर लेकर जा रहा हूँ तो ये देख सकते हैं ब्लैक हो रहा है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं उसके अलावा ब्लॉग पोस्ट का टाइटल का कलर ये वाला है जो ये वाला टाइटल है उसके अलावा ब्लॉग पोस्ट का टाइटल होवर जैसे उस पर होवर हो तो यहाँ पर मैं जैसे जाके होवर करता हूँ तो आप देखेंगे कलर चेंज हो रहा है तो ये उस कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ये वाला यार होता है जो हर दिन होता है ना उस दिन का अलग से होता है अगर आप कोई और दीम यूज कर रहे हो तो उसके ऑप्शन कुछ इस तरह के ही होंगे लेकिन वो होंगे कुछ अलग कोई चीज कहाँ होंगी उसमें कोई सेटिंग थोड़ी सी से अलग होगी तो आपने उस परेशान नहीं होना विजिट में आ जाता हूँ तो राइट साइड बार में आप देख रहे हैं तो दोबारा से ये सारे विजिट ही हैं जिनपे भी पेंसिल के आइकनस आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ तो इस दिन पर तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला क्योंकि इसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो तो मैं इसको पब्लिश करूँगा तो अब ये पब्लिश होगा पहले सिर्फ हमें इधर नज़र आ रहा था अब ये यह यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा जैसे ही मैंने पब्लिश किया आप देखोगे कि इस वेबसाइट का नेम भी चेंज हो गया और यहाँ पर सारा कुछ चेंज हो गया हम हम आ जाते हैं पोस्ट हमने किस तरह से करनी है इसको मैं जैसे मैं क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे वर्डप्रेस पे ले आएगा आपने करना क्या ऐड पोस्ट के बटन पे क्लिक कर देना है तो फ्रेंड अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे मेरी तो इस वीडियो को देखने के बाद ये मेरी गारंटी है कि आप खुद अपनी वेड की वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाओगे आप अपनी वेड की वेबसाइट ख़ुद बना पाओगे और वो भी ये फ्रेंड आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ जो कि एक बेसिक टू बिगिनर्स के लिए बिगिनर टू एडवांस के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक्स हैं तो आपने इनको फॉलो करना है और अपने और अगर आप न्यू न्यू है वेड प्रेस पर तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगी आप एक बार ट्राई करें फ्रेंड मैंने खुद इसको ट्राई किया था और ही फ्रेंड आपके लिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आज जितना भी कोर्स है मैं आपको फुल बता के ही जाऊंगा फ्रेंड इसके अलावा मैं आपको बताऊँ क्या आपने अगर तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो थोड़ा सा ये आपके पास लाइक आ रहा है एक बार इसको लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बने बेल आइकन को दबा देना कोई भी यार क्वेरी हो आपके नीचे कमेंट करें हमारे वट व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो जैसे हमने पोस्ट क्रिएट किए तो हमारे पास कुछ पेज इस तरह से ओपन होगा सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड टाइटल का ऐड अब टाइटल क्या है ऐड टाइटल में हम जो भी करेंगे उस जो ऐड हमारा टाइटल होगा सिंपल आपको पता होता है ये टाइटल होता है तो हम मैं सिम्पल आपने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना वरना आपको कापी राइट आएगी और आपकी वेबसाइट ब्लॉक भी हो सकती है और आपको एडसिन का अप्रूवल भी नहीं मिलेगा मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर अपनी ही वेबसाइट से जैसे कॉपी पेस्ट करता हूँ तो कुछ हमारे इस तरह से ये टाइटल हो गया ये टाइटल हो गया अब टाइटल के बाद जैसे हम नीचे आएंगे तो आपको एक साइड पे ऑप्शन मिल जाएगा जैसे मैं नीचे आता हूँ मुझे ऑप्शन मिल रहा है ये प्लस का तो इस प्लस का बहुत ही काम है वर्ड प्रेस में इस प्लस को आपको नहीं पता इस प्लस का तो उसका मैं आपको बताता हूँ ये जो प्लस है ना जैसे आप इस पर क्लिक करोगे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे इसके सारे जो ब्लॉक्स हैं वो ओपन हो रहे हैं तो जैसे इस प्लस से जैसे मैं इस तरह की यार इस तरह से पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ जो ये वाली पोस्ट है सिंपल मैं बिल्कुल सेम टू सेम पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो आपने इसकी इमेज आपने बना लेनी अगर आपके पास इमेज है इसकी तो अब मैं इसको कर लेता हूँ सेफ इमेज कर लेता हूँ ताकि इसको अपलोड भी आपने करना है ना अब अपनी वेबसाइट में तो आपके पास इमेज होंगी पहले से रेडी तो अगर आपको इमेज़ का नहीं है तो उसका यार मैं कोर्स बनाने वाला हूँ जिसमें आपको बना बताऊँगा किस तरह से आप अपने YouTube के थंबनेल बना सकते हो और वो भी अनकॉपी राइट या इमेज कहाँ से ले सकते हो काफ़ी वेबसाइट है मेरा ख्याल पिक्सल ऐप भी है कुछ इस तरह की वेबसाइट आप और भी सर्च करोगे मिल जाएंगी लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो पर्सनली जो भी मैंने बनाया कैनवा से बनाया हुआ है अगर आपको कैनवा यूज़ करना आता है फिर तो बहुत गुड अगर नहीं यूज़ करना आता तो फिर आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी बहुत चल मेरे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरह से मुझे मिल रहा है मैंने इमेज ऐड करनी है तो मैंने इमेज डाउनलोड कर लिया जैसे मैं एड ब्लॉक पे क्लिक करूंगा अब एड ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद मुझे ऑप्शन मिल रहा है इमेज का जैसे मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे ऑप्शन मिल रहा है अपलोड मीडिया लाइब्रेरी इन स्टार्ट फ्राम यू तो आप इस पे क्लिक करके सिंपल यहाँ से जो यूआरएल होता है कॉपी इमेज एड्रेस अगर मैं करता हूँ तो हमें एक यूनिक यूआरएल होता है जैसे मैं इस पेज गो करता हूँ तो इसकी लास्ट में एक्सटेंशन आ रही होती है डॉट पी एन जी डॉट जे पी जी या जो भी आप इसकी एक्सटेंशन होती है तो इस यू आर एल से भी लोड करवा सकते हैं इमेज इसको और अगर यहाँ से मैं इसको अपलोड करके दिखाऊंगा जैसे मैं इसको अपलोड पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास अपने कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहां पर मैं चले जाता हूं अपने डाउनलोड में डाउनलोड में जाने के बाद ये जो इमेज है मेरे पास ये आ जाएगी तो फ्रेंड सॉरी ये मेरे पास डेस्क टॉप पर इमेज आई है मेरी तो ये वाली इमेज आ गई है तो मैं इसको ओपन पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज मेरे पास ओपन होगी अब मैं देखें तो अगर आप इसको मैंने साइड पे ही रखा हुआ है अगर आप इसको दरमियान में करना चाहते हैं तो इसके लिए लुक और भी अच्छी हो जाएगी तो इसको मैं दरमियान में करने के लिए क्या करूंगा ये वाला मेरे पास ऑप्शन मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ है चेंज अलाइनमेंट जैसे आप चेंज अलाइनमेंट पे आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो आपको आ रहा है अलाइन लेफ्ट अलाइन सेंटर अलाइन राइट तो आपने क्या करना है अलाइन सॉरी ये वाला जो एरर आया मैं इसको देख लेता हूँ कुल नॉट रीड प्रॉपर्टी गेट ऑफ अनडिफाइंड तो मैं चले जाता हूं अब मीडिया लाइब्रेरी में और यहां पर जो भी मेरी इमेज अपलोड हुई होगी इसको मैं कर लेता हूं कॉपी तो यहाँ पर आने के बाद यार आपने अपलोड इमेज कर लेना आपको मैंने बता दिया इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल किस तरह से करनी है अब आपने अपलोड पे क्लिक करना है जैसे मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने आ जाऊँगा यहाँ पर मेरी इमेज पड़ी हुई है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ तो इमेज मेरे पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी अब फ्रेंड अब देखोगे कि जो मेरी इमेज है यार यहाँ पर वो आ रही है एक साइड पर आ रही है तो मैं इसको अगर दरमियान में लेकर आऊँ सेंटर में तो इसकी अलाइनमेंट सेंटर में करूँ तो ये और भी अच्छी मुझे नज़र आएगी तो इसको सेंटर में आपने किस तरह से करना है आप देखेंगे हमें ये क्लासिक ऊपर से मिल रहा है इसको किस तरह से यूज करना है वो बताऊंगा आपको सबसे पहले आपको अलाइनमेंट का बता देता हूं जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है अलाइन अलाइन लेफ्ट और सेंटर राइट फुल फुल हाइट तो आप देखेंगे पेज के सेंटर में आ गई है तो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो आपके पास ऊपर सेटिंग आ रही होगी सेटिंग पर आपने क्लिक कर देना तो आपके पास ये साइड बार भी ओपन हो जाएगा अगर जो पहले ओपन नहीं हो रहा था अगर ना हो रहा हो तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ आपने परेशान नहीं होना क्योंकि आपने फर... पहली बार वर्क ओपन किया तो आपके पास ये शो हो रहा हो तो आपको कहो कि यार टच हाफ का तो ये ओपन ही नहीं हो रहा था तो आपने इसको अभी मैं क्लोज ही रहने देता हूँ यहाँ से ये भी सेटिंग ओपन होती है इसकी तो सिंपली अभी ये भी बता दिया उसके बाद नीचे आ जाना है तो ये एक अलीहदा से ब्लॉक हो गया हमारे पास यहाँ से हमने एक अलीहदा से ब्लॉक इसका शुरू कर लेना तो ब्लॉक किस तरह से शुरू करना है यहाँ पर अपने सबसे पहले हेडिंग पेस्ट करनी है तो ये वाली मेरी हेडिंग है तो मैं इसको ओपन कर कॉपी कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह की आपको पोस्ट बना के दिखाऊंगा आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी तो यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड ये एक तो बात है कि हम इसको कर लेते हैं बोल्ड तो ये बोल्ड एक अलग चीज़ है और हेडिंग एक अलग चीज़ है एच वन एच टू अगर आप एच टी एम एल जानते हैं तो छः हेडिंग होती हैं एच टी एम एल की तो आपको अच्छे से पता होगा नहीं पता तो कोई बात नहीं यहाँ पे बता देता तो बोल्ड आपने इसको हेडिंग को नहीं करना कर भी सकते हैं यहाँ पर आपने आना और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपको मिल रहा होगा ना चेंज ब्लॉक टाइप और स्टाइल इस पर क्लिक कर देना तो आप इस पर क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे आपने सबसे पहले ऑप्शन है हेडिंग का इस पर क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास साइड पर एच टू का मेन्यू आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट एच टू ही होता है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है एच वन का और एच सिक्स का एच सिक्स सबसे छोटी हेडिंग होती है और एच वन सबसे बड़ी हैडिंग होती है आप देख सकते हो तो मैंने इसको एच टू कर दिया एच टू ही अच्छी और उसके बाद इसको बोल्ड भी अगर मैं करता हूँ तो फ्रेंड कोई इतना फर्क नहीं पड़ता अच्छा लगता है कोई हेडिंग लगती है देखें ये बोल्ड हो गया तो बिल्कुल इस तरह से जैसे थी वो मैंने बना लिया अब हमने ये वाला एक अलग ब्लॉक हो गया हमारे पास टाइटल का इसका एक अलग ब्लॉक हो गया आप देख सकते हो लाइन और उसके साथ ये वाला एक अलग से ब्लॉक हो गया तो उसके बाद जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास जो आगे ब्लॉक होगा वो अलीहदा से एक नया ब्लॉक शुरू हो जाएगा तो इसमें हम ब्लॉग्स की सूरत में पोस्ट या पेज को लिखते हैं या टाइप करते हैं उसके बाद फ्रेंड में आ जाता हूँ दोबारा से इधर और यहाँ पर आने के बाद मैं सारा ये कॉपी कर लेता हूँ जैसे मैं एक लाइन कॉपी करता हूँ बेसिकली ये जो मैंने लिखा हुआ है ये एक अलग ब्लॉक में लिखा हुआ है ये वाला एक अलग ब्लॉक में लिखा हुआ है और छोटे छोटे ब्लॉक्स में मैंने सारी पोस्ट को लिखा हुआ है और अगर मैं इसको सिर्फ़ एक लाइन को कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ जैसे हम इसको एंटर मारूंगा तो देखेंगे ये एक अलग ब्लॉक है ये हमारे पास एक अलग ब्लॉक है तो आपने ब्लॉक्स की सूरत में लिखेंगे फिर अगर आप योस्ट ए यूज़ योस करना नहीं आता तो उस पर वीडियो मेरे चैनल पे आ तो आप ये ना सारा कुछ योस्ट ए यो ही हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है ब्लॉक कैसे बनाना है क्यों बनाना है कितना बनाना है बनाना है नहीं बनाना तो वो सब कुछ आपको बिल्कुल बता देगा नहीं तो मैं तो यार इसको एक लाइन में भी इतना लिख सकता था लेकिन एक प्लगन है जो कि आपने अगर रैंक करवानी है गूगल में पोस्ट तो आपको ट्रिक्स बताते हैं कि आपने किस तरह से अपनी पोस्ट गूगल में रैंक करवानी है तो अगर आप उस पोस्ट उस प्लग को देखते हो तो आप अपनी पोस्ट आसानी से रैंक करवा सकते हो वो आपको बहुत ज़्यादा मेथड बताता है तो उस प्लगिन के डाउनलोड लिंक में आपको बता देता हूँ किस तरह से मिलेगा इतना ज़्यादा वो टिपिकल नहीं है उसको यूज करना ये वाला योस्ट प्लग है उसका नाम योस्ट ऐसी हो तो मैं खुद पर्सनली भी इसको यूज करता हूँ उसको तो मैंने प्रीमियम वरियन फ्री में दिया है अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं तो ये करने के बाद अब आपने जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है मैंने लिखा हुआ है जी फाइबर फ्री लांसिंग सबसे पहले तो जैसे मैं फाइवर पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे एक फाइबर का मेरा ओपन हो रहा है ऑप्शन फाइबर की वेबसाइट का नीचे लिंक ओपन होगा जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ओपन हो जाएगा तो आपने इसको अब कैसे इसको हम जैसे इसको क्लिक करें क्या हम इसी पेज के अंदर ही ओपन हो जाए ये पेज खत्म हो के यहाँ पर इस पर क्लिक करके एक नया पेज ओपन हो ये जैसे ये नया पेज ओपन हुआ है तो आप क्या चाहते हैं तो फ्रेंड ये मेरा फाइवर अगर आप मेरे देख सकते हैं रिव्यू भी अगर यहाँ पर ऑर्डर करना चाहिए तो मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं फाइवर पे जैन अली थ्री जीरो एट सर्च कर लेना तो मैं यहाँ पर बेसिकली बनाता हूँ लाइव टी वी की एप्स तो अगर आपको चाहिए तो आप उधर ले सकते हैं मुझसे या बाई कर सकते हैं तो फाइवर से मैं वापस आ जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे आ जाता है अर्न मरनी ऑनलाइन एज अ किट जो कि मैंने पोस्ट लिखी हुई थी हमारा टाइटल सबसे पहले हमने लिखना है फाइवर तो यहाँ पर मैं बेसिकली अब आपको लिख के दिखाने वाला हूँ जैसे ही मैं फाइवर लिखता हूँ तो ये हमारे एक ब्लॉक के अंदर फाइवर आ गया मैं इसको कहता हूँ हेडिंग बना देता हूँ इसको मैं एच वन बना लेता हूँ सबसे पहले उसके साथ इसको बोल्ड कर देता हूँ तो बोल्ड करने के लिए जैसे मैं इसको बोल्ड करता हूँ ये बोल्ड हो गया आगे लिख देता हूँ फ्री लांसिंग अब जो हमारा फाइवर हमने इसको लिंक किस तरह से करना है और पेज को हमने किस तरह से देखना है कि हमारे एक न्यू पेज में ओपन हो या फिर इसी पेज के अंदर ही हमें ओपन हो बेसिकली जो डू फॉलो बैक लिंक्स होते हैं वो हम उसी पेज के अंदर ओपन करते हैं जो दूसरे लिंक्स होते हैं जो एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं किसी वेबसाइट का लिंक हो गया या, या यूट्यूब का लिंक वो हमें एक न्यू पेज में ओपन करते हैं तो जैसे आप इस पर आएंगे इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से मैं इसको देने वाला हूँ फ़ाइवर का ये वाला लिंक जो मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से यहाँ पर आने के बाद आपको जैसे ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला अब देखेंगे लिंक का ऑप्शन आया कुछ इस तरह से लिंक का आइकन होता है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका आ रहा है सर्च और टाइप यूआरएल जैसे मैं इसको यूआरएल टाइप कर दूंगा तो मुझे नीचे ऑप्शन आ रहा है यूआरएल का जब तक आप इस पर क्लिक नहीं ना करोगे तो आपका लिंक यहाँ पर स्टोर नहीं होगा तो आपने इस पर जरूर से क्लिक कर दिया जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसका कलर भी यहाँ पर चेंज हो गया है कलर इसका हो गया है ब्लू जैसे कि स्काई बिलो जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था आप दी में इसको चेंज करना चेंज भी कर सकते हैं मैं सिंपल इसको क्या करता हूँ इसी पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आ रहा है ओपन इन न्यू टैब ओपन इन न्यू टैब का मतलब है जैसे ही अगर मैं इस पर क्लिक करूँ एक न्यू पेज में ओपन हो अगर इस पर मैं क्लिक नहीं करता तो इसी पेज के अंदर रहेगा तो मैं इसको कर लेता हूँ ओपन इन न्यू टैब में तो जैसे अब इस मुख में क्लिक करूँगा सेम टू सेम इस तरह ओपन इन न्यू टैब हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड हम बात कर लेते हैं नीचे आ जाते हैं तो अगर हम इसका लिंक चेंज करना चाहें तो फ्रेंड लिंक तो नहीं मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर जैसे मैं नीचे आता हूँ तो मैंने दिया हुआ है रीड आउट दिस आर्टिकल तो इनके मैंने कलर चेंज नहीं किए कुछ पोस्टों में मैंने इनके कलर चेंज किए थे उनका रिजल्ट भी अच्छा था ताकि ना एक कैच लगे जैसे बंदा इसको पढ़े जैसे आप उस स्क्रोल डाउन हैं पूरी वेबसाइट में अगर कहीं भी रेड कलर आएगा ना तो फ्रेंड अब इस पेज को भी ओपन करके देखो जहाँ भी रेड कलर आएगा ना आपकी नज़र सबसे पहले उस पर जाएगी ही जाएगी तो ये कुदरती फॉल्ट होता है तो जैसे आप इस पर क्लिक करके इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल इधर आके इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ इसको भी यार डू फॉलो ही कहते हैं डू फॉलो बैक लिंक्स ये होता है कुछ इस तरह से ये भी तो रीड आउट दिस आर्टिकल के आप ना अपने आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल ज़रूर से जोड़ते रहें जैसे कोई ऑप्शन है जैसे कि स्किल का ऑप्शन आ रहा है मैंने स्किल के ऊपर कोई लिखा हुआ है ब्लॉग तो मैं इसको यहाँ से आपको लिंक डालूंगा तो वो डू फॉलो बैक लिंक हो जाएगा और उसके बाद यार इसको कोई ब्लॉग को कॉपी भी करते हैं ना आपके कॉपी पेस्ट तो फिर फ्रेंड उसको फिर ये मसला आएगा कि जैसे वो कॉपी तो कर लेगा उसका जो भी यूज़र आएगा जैसे वो डू फॉलो बैंक पे क्लिक करेगा किसी भी लिंक पे वो सिंपल हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा तो डू फॉलो बैक लिंक का एक तो ये फायदा होता है हमें उसके बाद फ्रेंड आप देखेंगे कि अब हमें कैच ही नहीं लग रहा जैसे हम इस पर आते हैं तो हम इसको कुछ देख नहीं सकते तो मैं क्या करता हूँ इस सारे को कॉपी दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर स्क्रोल डाउन का तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके आप ऑप्शन आप? आ रहा है इनलाइन कोड इनलाइन इमेज तो टेक्स्ट कलर लास्ट पे आएंगे तो टेक्स्ट कलर आ जाएगा जैसे मैं टेक्स्ट कलर में आता हूँ तो मैं इसको कर देता हूँ रेड रेड करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड आप देखेंगे सबसे पहले जैसे हम नीचे आएंगे और अगर मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ बोल्ड पहले से है थोड़ा इसको थोड़ा सा बोल्ड भी और भी मतलब हेडिंग भी बना सकते हैं लेकिन मैं अभी नहीं बनाता क्योंकि जब ये पेज बनेगा तो अच्छा नजर आएगा जैसे अभी ये रेड हो जाएगा ना जैसे कोई बंदा चला रहा होगा आपको स्क्रॉल डाउन करेगा तो आपको उसको ये नज़र आएगा और अगर आपने उसके ना रिलेटेड ऐड किया हुआ हो जैसे कि फाइवर अर्निंग के रिलेटेड आपने कोई ब्लॉग का ये लिंक ऐड किया होगा तो वो डिफ डिफिनेटली आपके उस ब्लॉग पर भी जाएगा ही जाएगा उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे नीचे आने के बाद फ्रेंड ये सारा जो भी मैं कॉपी पेस्ट एक बार कर लेता हूँ आपने तो कॉपी पेस्ट नहीं करना सिंपल आपने रियल डाल देना जैसे मैंने आपको पोस्ट लिखने का तरीका बता दिया है तो यहाँ तक आ जाता हूँ यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर सारे को कर देता हूँ पेस्ट तो आप देखोगे जैसे कि मैंने कहा था सेम टू सेम बिल्कुल मैंने सब कुछ उसी तरह बना लिया तो आपने खुद पोस्ट लिख देनी है तो फ्रेंड एक मेरे पास पोस्ट लिखने का ऐसा मेथड है कि आप खुद टाइपिंग नहीं करते बल्कि आपकी पोस्ट खुद ब खुद लिखी जाती है और वो भी आप किसी भी आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं और हंड्रेड परसेंट यूनिक होती है एक लफ्ज़ भी ऐसा एक वर्ड भी ऐसा नहीं होगा जो कि किसी भी प्लग से आप चेक करेंगे तो वो बताएगा तो हंड्रेड परसेंट फ्रेंड मैंने अपनी काफ़ी पोस्ट उस वेबसाइट से लिखी हैं और वेबसाइट तो नहीं है ट्रिक है तो आप उधर से लिख सकते हैं वैसे तो ये मैंने ग्रामरली इंस्टॉल किया हुआ है इसका भी बहुत फ़ायदा है इस प्लगइन का जो भी हमारा होता है ना मसला ग्रामर पे हंड्रेड परसेंट तो नहीं लेकिन नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट एकट हम इसको इससे कर सकते हैं तो ये वाला कुछ इस तरह से पूरा हो जाएगा यहाँ पर मैंने आखिर पे बैक लिंक लगाया जैसे मैं फाइवर पे आ रहा हूँ तो फ़ाइवर पर मुझे ब्लैक लिंक मिल रहा है उसके अलावा सब्सक्राइब पर आ रहा हूँ तो मेरे चैनल का जो बैक लिंक है वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है तो इसी से आपको याद करवा दो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार और साथ में भले बैल बने बेल आइकन को जरूर से दबा देना ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट पोस्ट करूं या वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए फ्रेंड मेरी जो होते हैं ना मैं फ्री में डॉट कॉम की डोमेन के रिलेटेड होस्टिंग के रिलेटेड ज़्यादातर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जिसमें कि आपको भी फ़ायदा और बिल्कुल फ्री में आपको मिलती रहे तो आपने मेरी बाकी वीडियोस को चेक एक बार जरूर से कर लेना आपके लिए हंड्रेड परसेंट वो भी बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा वहाँ से तो अगर आप किसी और तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो तो सिंपल नीचे कमेंट कर दें मैं उस पर भी एक पूरी वीडियो बना दूंगा कि अगर आप उस पर अर्निंग के रिलेटेड यहाँ थे एक ऑप Uh, काफ़ी तरह की वेबसाइट्स यार अब आ जाती है मैं आपको क्या बताऊं तो अगर आप म्यूजिशियन के रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं यूट्यूब जैसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं और किसी भी तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं जैसे कि प्ले स्टोर की एप्लीकेशन के रिलेटेड काफ़ी आपको ए पी के डन का जो वेबसाइट है वहाँ उस तरह की बनाना चाहते हैं ए पी के मिररर की वेबसाइट जैसी बनाना चाहते हैं तो सब कुछ हो जाता है बस आपने नीचे सिंपल कमेंट कर देना और मुझसे कांटेक्ट कर लें तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में सब कुछ करके दूंगा मैं यार चैनल पर जो भी करता हूँ बिल्कुल फ्री में करता हूँ आज तक मैंने कोई भी चीज़ पेड नहीं रखी अपने चैनल पर आपने देखा होगा का काफ़ी यूट्यूबर हैं नाम नहीं लेता मैं बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो क्या करते हैं यूट्यूब तो अपन, अपना अपना यूट्यूब सब कुछ नहीं बताते बल्कि वो अपने अलग से कोर्स बना के सेल करते हैं तो उनका अल्लाह ही है अच्छा यहाँ पर अब आ गए ये हमारी सेटिंग हो गई है ये तो हमारी पोस्ट की सेटिंग हो गई हमने पोस्ट किस तरह से लिखनी है अब हम आ जाते हैं जी बैक आपको बैक आके दिखाऊं के जैसे मैं इसको बैक आता हूँ फ्रेंड तो आप देखेंगे इधर बैक आने के बाद फ्रेंड आप देख रहे हैं कि एक इमेज आ रही है इमेज के साथ ये टेक्स्ट आ रहा है टेक्स्ट के नीचे ये चीज़ें आ रही हैं तो आपने ही अब ये किससे ऐड करनी है ये एक ब्लॉक है अलग से तो आप देखेंगे तो आपने ये चीज़ें किस तरह से ऐड करनी है हमारा जो हो गया एक तो ये डन हो गया हमने आप बता दिया टाइटल जैसे वो ऑटोमेटिक इधर आ गया इमेज जो भी रखी होगी वो ऑटोमेटिक ही आपकी पोस्ट के ऊपर आ जाएगी अब अब बात आ जाती है इसकी ये हमारे पास कैसे आएगी ये है क्या और इसका फ़ायदा क्या है तो जैसे मैं आ जाता हूँ अब अपने यहाँ पर यहाँ पर आने के बाद हम हमारा काम आ गया सेटिंग का तो जैसे मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो पोस्ट पे आ जाता हूँ पोस्ट पे आने के बाद आप देख रहे हैं स्टेटस एंड विजिबिलिटी तो अब जैसे इसमें आएंगे तो परमा लिंक का ऑप्शन मिलेगा परमा लिंक आपको बता दिए कि परमा लिंक क्या होता है पी इज इक्वल नाइन मेरे ख्याल मैंने इसको चेंज नहीं किया तो मैं इसको बाद में चेंज कर लेता हूँ कि ये वाला जो इसका लिंक है वो सेम टू सेम हो तो कैटेगरीज का आपके पास ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी अभी हमने नहीं बनाई टैग का ऑप्शन आ रहा है टैग्स नहीं हमने बनाए अब जैसे यार मैं टैग्स में आता हूँ ना टैग्स में हमने लिखना होता है कि कोई भी हैश टैग आपकी वेबसाइट पर आकर सर्च करेगा तो आपकी कौन सी पोस्ट ओपन होगी तो मैं यहाँ पर हैश टैग लिख रहा हूँ आपके सामने मैं लिख लेता हूँ हैश टैग हैश टैग अर्निंग हैश टैग जो इसके रिलेटेड हो आपकी पोस्ट के जैसे कि मैंने ऑनलाइन हैश टैग डाटा एंट्री इस तरह से अपने अपने टैग लिखते हैं सिंपल मैंने आपको बता दिया उसके बाद जो फीचर इमेज होती है तो आप देखोगे फ्रेंड मैं अगर कोई और पोस्ट ओपन करूं ये एक ये वाली इमेज हमारे पास ओपन हो रही है और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे इसके साथ ही नीचे भी इमेज हो रही है तो ये वाली जो इमेज है इसको हम कहते हैं जी फीचर इमेज जो कि आपकी शो होती है उसके बाद जो आपके एड्स जो भी आपकी पोस्ट होती है उसकी इमेज शो हो रही होती है, है तो ये वाली हमारे पास है जी फीचर इमेज तो हमने इसको किस तरह से ऐड करना है सिंपल यहाँ पर आना है और हमने यहाँ पर सेट फीचर इमेज पर क्लिक कर देना है यही फीज इमेज मैंने पहले अपलोड की थी मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ एज फीचर इमेज करता हूँ ये फीचर हो जाएगा और अब जैसे नीचे देखोगे एक्स एक्सक्रप्ट का आपको ऑप्शन मिल रहा है जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आ रहा है राइट एंड ऑप्शनल अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो तो ये ऑप्शनल क्या है ये है कि एक्स एक्सक्रिप्ट वो आपको बताता हूँ जैसे आप आओगे ना मेरी पोस्ट पर तो जैसे मैं इसको बैक कर लेता हूँ बैक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे टेक्स्ट मिल रहा होगा कहाँ ही हमारी वो पोस्ट की तो ये वाला टेक्स्ट मिल रहा होगा जितनी भी लाइन तो आपने ये वाली दो लाइनें इतनी अच्छी लिखनी है कि जो भी इसको पढ़े तो उसका दिल करे कि मैं इस पोस्ट के अंदर जाके इस पोस्ट को सारी पढ़ूं तो ये वाला जो होता है ये हमारा एक्सक्रिप्ट होता है जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहां पर आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं और यहां आकर इसको कर देता हूँ पेस्ट पेस्ट कर देने के बाद आप नीचे आ जाते हैं डिस्कशन टैब में आप अलाउ कमेंट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं पिंग बैक करना चाहते हैं लेआउट में आ जाऊं तो बिल्कुल इस लेआउट को हमने नहीं छेड़ना उसके बाद आ जाते हैं जी ब्लॉक पे ब्लॉक पे आपका हमारा कोई काम नहीं है सिंपल आपने यहाँ आप आ जाना है पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना है जैसे मैं पब्लिश के बटन पे क्लिक करूँगा इधर आ रहा है सबसे पहले विजिबिलिटी तो मैंने विजिबिलिटी पब्लिक रखेंगे बिल्कुल जैसे यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तब आता है विजिबिलिटी पब्लिक रखते हैं तो आल जितने भी आपके वेबसाइट पे कोई भी आएगा उसको शो होगी प्राइवेट रखते हैं तो सिर्फ एडमिन जो भी होंगे या फिर आपने वेबसाइट के अंदर जो भी मॉडरेटर ऐड किए होंगे तो सिर्फ उनको शो होगी और अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखते हैं तो इधर पासवर्ड मांगेगा जो भी पासवर्ड देगा फिर सिर्फ उसको ही ये शो होगी उसके नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है पब्लिश का इमीडिएटली आप पब्लिश करना चाहते हैं आप अगर फ्यूचर में फ्यूचर में कोई डेट रख सकते हैं मैंने कल या परसों पब्लिश करनी है इतने वक्त में इतने टाइम में तो आप उसको यहाँ से सेट करोगे तो वो जैसे वो टाइम होगा ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट वहाँ पर पब्लिश हो जाएगी वेबसाइट पर आप तो इसको भी चेंज चेक कर सकते हो ऐड टैग्स का ऑप्शन मिलता है बिल्कुल जैसे टैग्स होते हैं आपने इसके सर्च इंजन में जो भी आप इधर सर्च आ, सर्च इंजन जो होता है ना हमारे जैसे गूगल का सर्च इंजन है वो एस में चले जाते हैं सारा एस का वर्क है आपने टैग कहाँ से लेने और कैसे ऐड करने हैं तो सिंपल यहाँ पर भी आपको एक टैग की टूल बता देता हूँ प्लस पॉइंट है जो कि हमारे पास की डॉट आई यू आपने ओपन कर लेने एक वेबसाइट है इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अर्न मनी जैसे मैं अर्न मनी सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे फ्रेंड ये वाली टूल बहुत ही काम की टूल है यहाँ फिर आप यूट्यूब हैं और यहाँ फिर बेशक आप ब्लॉगिंग है या फिर आप बिल्कुल वर्ड प्रेस यूज़ करते हैं जैसे मर्जी आप इस टूल को यूज़ करें बहुत ही अच्छी टूल है यहाँ पर आने के बाद आपको ये सारा मिल जाता है जो भी आडोप्ट मी हाउ टू अर्न मनी हाउ कैन अर्न मनी बेस्ट वेज टू अर्न मनी यहाँ से आपने सिंपल इनको कॉपी कर लेना है और जाके सर्च बाकी फ्रेंड इसी के साथ आपको मैं बताता चलूँ कि मेरे प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो आपको एक यूट्यूब का कोर्स मिल रहा होगा यूट्यूब एडवांस कोर्स तो इसमें मैंने सारे बताया कि इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है किस तरह से अपने रैंक करना है फिर वो गूगल हो या फिर ब्लॉगर हो या वर्डप्रेस हो तो इन टैग्स को इनके यूज़ करके आप बिल्कुल रैंक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में ये टैग्स यहाँ पर पे मैं पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे सारे टैग्स बन गए हैं तो जैसे मैं इन टैग से कोई भी ये लोग सर्च करेंगे तो ये पोस्ट वहाँ पर गूगल में ओपन हो जाएंगी पेश वहाँ गूगल का सर्च इंजन हो या बिंग का सर्च इंजन हो तो वो थोड़ी थोड़ी करके हम बाकी सारी वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल ही नहीं है मैं सब कुछ आपको बता पाऊँ कि, कितने ऐसी हो किस तरह से करनी है और बाकी सारा कुछ वो फिर टाइम टू टाइम है बस आपने अपना यार आपने अपना भीजहार करवाना है कि आप क्या चाहते हो आपने नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना मोटिवेशन सा मैं आप आगे भी इन टूल्स को हमने किस तरह से यूज़ करना है किस तरह से रैंकिंग कीवर्ड हमने फाइंड करने हैं जिससे कि आप जल्दी से रैंक कर पाएँ अपनी वेबसाइट को गूगल में और किस तरह से हमने गूगल की वर्ड प्लानर यूज़ करना है और काफ़ी टूल हैं एच टूल आ जाते हैं हमारे पास काफ़ी प्लग इन है हमारे पास वो हमने किस तरह से यूज़ करने हैं जैसे कि हमारे पास प्लग इन यूज जो कि मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली उसको किस तरह से यूज़ करना है तो उसके लिए हम नीचे कमेंट करेंगे तो हंड्रेड परसेंट मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा तो यहां पर आने के बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूं जैसे मैं इसको पब्लिश करता हूं तो हम ये अपडेट हो रहा है उसके बाद ये व्यू पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है तो मैं सिंपल इसको बैक कर लेता हूँ बैक करने के बाद इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ अपनी वर्ड की वेबसाइट को तो आप देखेंगे कि यहां पर मुझे शो हो रही है वो मेरी पोस्ट ये टैग्स शो हो रहे हैं यहाँ पर कैटेगरी शो हो रही हैं जो भी कमेंट बंदा करेगा वो यहाँ पर शो होगा कैटेगरी हमने कोई ऐड नहीं की इस वजह से अन कैटिगरीज आ रही है तो इन कैटेगरी पे अभी मैं बात करता हूँ किस तरह से हमने कैटेगरी बनानी है और यहाँ पर आने के बाद इसको मैं अगर इसी को मैं रिफ़्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट को तो आप देखोगे बिल्कुल जैसे कि इसमें पोस्ट शो हो रही थी इस तरह की पोस्ट बिल्कुल इसमें भी शो हो रही है बल्कि इससे भी अच्छी शो हो रही है मैंने इसमें टैग्स नहीं लगाए थे तो यहाँ पर मैंने टैग्स भी लगा दिए टैग्स आपने लाजमी से लगा देने वो मैं आपको बताऊँ वो सिर्फ मैंने चेकिंग के लिए पूरी वेबसाइट बनाई थी एडसन का अप्रूवल लेना था इसमें लेकिन मैंने इसको चेंज कर देना थोड़े ही टाइम बाद तो यहाँ पर अर्न मनी ऑनलाइन एज ए जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक और चीज मैं आपको दिखाऊं बैक करके हमारे जो एक्सक्रिप्ट लिखा था वो सेम टू सेम आ रहा है आप चेक कर सकते हैं वीडियो को उसके बाद टाइटल आ रहा है पोस्ट बाय एडमिन आ रहा है तो यहाँ पर मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो फीचर इमेज थी वो उसको मैंने सेंटर में नहीं किया तो वो साइड पे आ रही थी तो यहाँ पर आप अलग अलग से फ़ीचर इमेज ऐड कर सकते हो बाकी इमेज जो पोस्ट में होगी वो ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो उसके नीचे में आ जाता हूँ यहाँ पर मुझे पूरा ये मिल रहा है और जैसे फ्रेंड मैंने आपको बताया था जैसे कि वो नीचे करेगा तो फ्रेंड ये रेड कलर जो कि हमें आंखों को बहुत पड़ता है तो उस वजह से ना ये हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपने रेड कलर यूज़ कर लेना अपनी वेबसाइट्स में उसके नीचे आ जाता हूँ बाकी सारा आप देख सकते हैं पोस्ट लोग इन एडमिन है तो यहाँ से आप कमेंट भी कर सकते हैं बाकी सब कुछ मैंने आप आपको बता दिया हमने पोस्ट किस तरह से करनी है बात कर लेते हैं कैटेगरी की जो कि हमारा लास्ट स्टेप होगा बाकी आपने कोई भी वीडियो देख लेनी है यूट्यूब पे या मुझे कमेंट कर दें कि इस दीम की कस्टमाइजेशन की वीडियो बना दें कुछ मैं आपको दीम बता देता हूँ एक ये दीम है एक फास्ट एस सी है एक न्यूज़पेपर वाला दीम है आप वो यूज़ करें अगर आप एडसन का अप्रूवल लेना चाहते हैं कुछ ये सबसे अच्छे दीम और ये बिल्कुल फ्री में भी आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे तो आपने इनको चेक कर लेना है तो यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ सिंपल आने के बाद अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ जो कि मैंने आपको बता दिया आप आ जाते हैं कैटेगरी तो पोस्ट के नीचे ही आपको मिल जाएगा ऐड न्यू आल पोस्ट जो भी आप पोस्ट करेंगे वो यहाँ पर शो होगी ऐड न्यू करोगे तो जैसे ही आप इस पर भी ऐड न्यू करोगे तो एक नया ओपन हो जाएगा पेज दोबारा से आपको पोस्ट बनाना बताना पड़ेगा बताना नहीं मतलब बनानी पड़ेगी सॉरी फर्स्ट टाइम है मेरा भी इतनी लंबी वीडियो पे तो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है मैं रिटेक नहीं करता बार बार तो थोड़ा सा आप भी बर्दाश्त करें ठीक है तो आपने क्या करना है यहाँ पर कैटिगरीज़ का ऑप्शन मिल जाता है जैसे मैं कैटिगरीज में चले जाता हूँ तो मुझे मिल रहा है कैटेगरी का नेम और स्लग अब कैटेगरी का नेम क्या है और स्लग क्या है उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले आ जाती है नेम की बात अपने वेबसाइट पर जाता हूँ ये टेस्ट ही थी तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही एक कैटिगरी है लेटेस्ट की जैसे ही मैं उसके लिए होवर कर जैसे समझिए उस पर क्लिक किया है अब यो जो जो लेटेस्ट था ये कैटिगरी का नेम था लेटेस्ट कैटिगरी का नेम था और लेटेस्ट यहाँ पर कैटिगरी का ये वाला स्लग था जो स्लग होता है उसको कहते हैं जो साथ में छोटा सा होता है जैसे इधर मैं नेम लिख लेता हूँ टेस्ट स्लग में दे, दे देता हूँ लेटेस्ट ठीक है कैसे लफ्ज़ मैंने फ़ाइंड किए हैं टेस्ट और स्लग में मैंने दे दिए ले टेस्ट पेरेंट कैटिगरी कैटेगरी के अंदर दोबारा से एक कैटिगरी तो आप ये वाली कैटिगरी को डिलीट नहीं कर सकते जो कि वर्ड प्रेस की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट होती है लेकिन आप उसको रीनेम कर सकते हो चेंज अपने खुद में जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो लेकिन इसको डिलीट नहीं कर पाओगे आप जो मर्जी कर लेना यहाँ पर आने के बाद इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो नहीं तो ऐड न्यू कैटेगरी के बटन पे आप क्लिक करते हो तो ये एक कैटेगरी आपकी ऐड हो गई हो तो आप देखेंगे इसका डिलीट का ऑप्शन आ रहा है लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है उसको डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने इसके भी एडिट कर लेना और जो इसका नाम है अनकैटेगराइज इसका मैं लिख लेता हूँ टेस्टिंग आपने अपने वेब जो वो यहाँ पर बटन रखोगे उसके हिसाब से रख लेनी कैटिगरीज तो अब मैं आ जाता हूँ दोबारा से कैटिगरीज के टैब में जो कि आगे हमारे पास लेटेस्ट का जैसे मैं इसको व्यू पे क्लिक करता हूँ अब देखेंगे कैटिगरी और साथ में जो मैंने स्लग रखा था लेटेस्ट का कैटिगरी का नाम टेस्ट रखा था लेकिन इसका नाम लेटेस्ट रखा था तो हमारे पास लेटेस्ट का आ रहा है दूसरे नंबर पर जो मैंने कैटेगरी है इसका नाम मैंने अनकेटेगराइज ही रखा है सिर्फ नेम चेंज किया तो यहाँ पर आपको सलग नजर आ रहा होगा अनकेटेगराइज तो जैसे मैं इस पर व्यू पे क्लिक करता हूँ तो यो देखेंगे ऊपर मुझे अनकेटेगराइज ही मिल रहा है परमा लिंक में तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ पर करने के बाद अब आप आपने किस तरह से यहाँ पर ऐड करना है इसको तो थोड़ा सा इसको भी आपको बता देता हूँ जैसे मैं आ जाता हूँ अपने वर्ड प्रेस के दिन यहाँ पर कस्टमाइजेशन में आ जाता हूँ कस्टमाइजेशन पे जैसे आप दीम के आएंगे तो कस्टमाइजेशन पे आने के बाद हम देख लेते हैं हमने किस तरह इसको करना है एडिट यहाँ पर आप देखोगे जैसे वो हमारा ओपन हुआ है कस्टमाइजेशन का टैब तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पोस्ट भी नजर आ रही है तो फ्रेंड ये वाला जो दीम है ना हमारे पास वो दीम इस तरह का दीम है मोबाइल फ्रेंडल, फ्रेंडली भी है तो जैसे ही हम इसको मैं देख इस तरह से किया तो हमें ये देखें बिल्कुल रिस्पॉन्सिव दीम है हमारे पास और तो इसकी स्पीड भी बहुत फास्ट है जैसे मैं इसकोर भी छोटा करूँगा तो ये साठ सात 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 ही होता रहेगा जैसे आप इसको करते जाएंगे देखें कोई बिल्कुल इस तरह से ये दीम है तो ये दीम अगर आप इसको ए एम पी का भी आपको एरर आ सकता है अगर एम पी का एरर आए तो यार उसके आगे फिर दोबारा से पूरी एक वीडियो बनेगी उस पर भी कि किस तरह से हमने एम पी को इंस्टॉल करना है ए एम पी प्लग इन है यार उसी से याद है प्लग इन तो हमारे रह गए तो ये तो होगी हमारी कैटेगरीज यहाँ पर आने के बाद मैं जल्दी से एक ये सैम्पल पेज ऐसी को चेक कर लेता हूँ आ जाता हूँ यहाँ से मेन्यूज़ में मेन्यूज़ में आने के बाद व्यू लोकेशन में आ जाता हूँ यहाँ से मैं क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ मेन्यू का नेम रख लेता हूँ कुछ भी आपने रख लेना उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर ऐड आइटम पे क्लिक कर लेता हूँ इधर कर लेता हूँ होम पे क्लिक होम पे क्लिक करने के बाद सैम्पल पेज पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जी बैक ये देखें जैसे मैंने होम पे क्लिक किया होम किया तो यहाँ पर होम आ गया तो यहाँ पर आप और ऐड करेंगे और यहाँ पर वो लिंक पेस्ट करेंगे तो आपकी कैटेगरी सिंपल बन जाएगी इसको मैं पब्लिश करके बैक आ जाता हूँ हम, हम बात कर लेते हैं जी प्लगइन्स की प्लगइन्स हमारा लास्ट पार्ट रह गया वीडियो आगे वन आवर हो गया अगर आप यार इस वन आवर वीडियो को देखा है ना तो आपको कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ छोड़ो बहुत कुछ समझ आ गया जो भी फ्रेंड आपको बस प्रीमियम ट्रिक्स दी ना जो आपने पूरी आप पाँच पाँच या दस दस मिनट की वीडियो देखनी थी और बहुत आपका टाइम लग जाना था वो मैंने फ्रेंड एक आवर का कोर्स बनाकर आपको सिंपल एक आवर में ही सब कुछ बता दिया है और अगर आप इन वीडियो को एक एक पाँच पाँच या सात सात मिनट करके मैं बनाता हूँ तो ये काफ़ी मतलब चार से पाँच आवर की बन जानी थी लेकिन मैंने कहा यार टाइम बचाएं और जो नए आए हैं 2021 में नए वर्ड के यूज़र आए हैं ब्लॉगर ब्लॉगर उनको आ गए और वो नए वर्डप्रेस पर आए हैं तो उनके लिए ये ट्यूटोरियल मैंने बनाया अब जैसे आ जाते हैं नीचे प्लग पे पर प्लग इन पे आने के बाद जैसे मैं प्लग पे क्लिक कर लेता हूँ तो फ्रेंड जैसे दीम्स से हम उसी तरह प्लग को भी एड न्यू प्लग करके अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं जो प्रीमियम प्लग होते हैं जैसे अपलोड का बटन आपको मिलेगा वो आपको काफ़ी वेबसाइट से मिल जाते हैं लेकिन मैं आपको रिकमेंडिड करूँगा कि आप कोई भी फ्री में जो प्लग होते हैं उनको इस्तेमाल ना करें वो आपके वर्ड की वेबसाइट को हैक कर सकते हैं उसके अलावा आपके वर्ड की वेबसाइट में इंजेक्ट कर सकते हैं वायरस को और आपकी वर्ड की स्पीड को भी स्लो कर सकते हैं तो करें तो आप पेड़ ले लें पेड़ नहीं लेना तो आप किसी फ्री वाले को यूज़ करें फ्री वरियन को और अगर आपने फिर भी प्रीमियम लेना है तो आप एतमाद वाले बंदे से लें जो कि जिस वेबसाइट पर या जिस यूट्यूबर कोई को को दे रहा है या कोई आपका फ्रेंड दे रहा है तो जिस पर आपको यकीन हो कि ये ठीक होगा तो उससे लें बाकी काफ़ी लोगों की यार वेबसाइट इसी तरह बंद हुई है तो इस इसलिए मैंने आपको बता दी तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्लगइन मिल रहे हैं तो आप कोई भी इधर वर्ड सर्च कर सकते हैं जिसका आपको प्लगइन चाहिए तो अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आऊँ टैच हाफ टेस्ट पर तो मैं इधर प्लग इन चाहता हूँ यार कौन सा प्लग इन अब यहाँ पर जो मैंने प्लग इन यूज़ किया सब्सक्राइब टच हाफ तो इसी को प्लग इन को मैं यूज़ करके इसको ला के दिखा देता हूँ उसके बाद वीडियो एंड है अब आप थोड़ा सा और सबर करें जैसे इसको किस तरह से हमने यूज़ करना है यहाँ पर मैं आता हूँ प्लग इन में प्लग इन में लिख लेता हूँ यूट्यूब कोई भी रिलेटेड कीवर्ड है ना जो आपको चाहिए वो आपने सर्च जरूर कर लेना जैसे इसको मैं YouTube लिखता हूँ अगर आपको इमेजेस के रिलेटेड प्लग चाहिए गैलरी के रिलेटेड प्लग इन चाहिए बटन के रिलेटेड प्लग चाहिए तो आप बटन लिख सकते हैं अगर आपको कोई और प्लग चाहिए तो आप प्लग लिख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है यूट्यूब गैलरी चैनल तो यहाँ पर आ, आप अपना अपने वीडियो का लिंक पेस्ट करेंगे तो ये पूरा वो बना देगा तो हमें तो ये नहीं चाहिए हमें तो चाहिए यूट्यूब इधर मैं लिख लेता हूँ सब्सक्राइब बटन तो आपने सब्सक्राइब बटन जैसे मैं लिखता हूँ तो हमारे पास आ जाता है यूट्यूब के सब्सक्राइब बटन होता है क्योंकि बाकी का तो फॉलो का बटन ही होता है तो आप देखेंगे ईजी सब्सक्राइब बटन विजिट आपको मिल जाता है यूट्यूब सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाता है यहाँ पर उसके अलावा फ्रेंड आप देखेंगे नीचे तो तो मैं कर लेता हूँ इसी को इंस्टॉल कर लेता हूँ यूट्यूब सब्सक्राइब बटन को तो जैसे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल जैसे दीम को एक्टिवेट करना होता है इसको हमने एक्टिवेट कर लेना है प्लगइन को मैंने इंस्टॉल कर लिया इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है एनएबल ऑटो अपडेट ताकि इस प्लगइन की कोई भी अपडेट है तो ऑटो हो जाए अपडेट अपडेट में आपको पता नहीं वो चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं कोई उनकी कमी रह गई है तो वो पूरी कर लेते हैं इसके बाद फ्रेंड आप जैसे आपको अब आप देखेंगे यहाँ पर कोई बटन नहीं नजर आ रहा होगा कुछ प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको साइड पे बटन आ जाएगा लेकिन इसका कोई भी बटन नहीं आ रहा तो आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है तो आप टूल्स में जाएंगे टूल्स में जाने के बाद आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन आ रहा है अवेलेबल इम्पोर्ट नेटवर्क सेटअप तो यहाँ पर आप सेटिंग में आता हूँ तो सेटिंग में आप बल्कि कुछ प्लग आपके टोल में आते हैं कुछ प्लग आपके सेटिंग में आ जाते हैं तो कुछ प्लग जो हमारे होते हैं वो हमारे सेटिंग्स में आते हैं कुछ टूल्स में आ जाते हैं तो ये वाला प्लगइन हमारा सेटिंग में आएगा जैसे आप सेटिंग में आएंगे तो आप नीचे यहाँ देखेंगे एस एम यूट्यूब सब्सक्राइबर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एस एम यूट्यूब सब्सक्राइबर अब आ रहा है टाइटल ऑप्शनल आप इसका टाइटल रखना चाहते हैं जैसे कि मैंने टाइटल रखा हुआ है सब्सक्राइब टच हाफ तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइटल रख सकते हैं जैसे मैं इस पर यही टाइटल पेस्ट कर लेता हूँ अब आ जाता है चैनल की आई तो आपने ये पूरा लिंक नहीं पेस्ट कर देना यहाँ पर चैनल का तो चैनल की एक यूनिक आई होती है जैसे कि मेरे चैनल की आई है वीडियोज है ना तो इसको आपने छोड़ देना यहाँ पर जो है ये वाली आई है चैनल के आगे आगे यूट्यूब डॉट या इसके आगे होती है और वीडियोज के पीछे ये वाली चैनल की आई डी में कॉपी कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद मैं चले जाता हूँ यूट्यूब चैनल आई डी और यहाँ पर इसको कर लेता हूँ पेस्ट पेस्ट करने के बाद अब आ रहे है शो फुल लेआउट तो आपने इसको फुल कर लेता हूँ सब्सक्राइब काउंटर हाउ हाइड तो अगर आप इसको कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं तो आप इसको यूट्यूब पर ही हाइड रखना चाहिए अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं एक बिगनर हैं तो इसका बहुत फ़ायदा होता है अगर आप एक आपके YouTube ज़्यादा सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो आप इसको शो करवा सकते हो वरना हाइड कर लें तो मैं अगर आपके पीछे से ऑटो ही हाइड है तो इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आप इसको शो डार्क दीम करना चाहते हैं तो डार्क भी कर सकते हैं लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लग लुक लगता अगर आप करना चाहें तो हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है तो आपने कर लेना उसके बाद मैं सेफ चेंजेस पे इसको क्लिक कर लेता हूँ जैसे मैं इसको सेफ़ चेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो अब मैं अपनी वेबसाइट को जो कि ये थी टच हाफ डॉट से ब्रेंसी डॉट कॉम इसको कर लेता हूँ रिफ़्रेश अब रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखोगे मुझे कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आया तो इसको हमने यार सेटिंग तो कर ली ले, लेकिन हमने शो नहीं करवाया शो करवाने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर दोबारा से चले जाऊँगा कस्टमाइजेशन में अपेरेंस कस्टमाइजेशन तो यार पूरे एक आवर हो गए आपको वीडियो देखते देखते तो आपने अब जाते जाते चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है आगे मैं पूरा इसका वर्ड प्रेस को आपको बताऊंगा किस तरह से वर्ड प्रेस की एक एक चीज़ तो आप हंड्रेड परसेंट अर्निंग करने लग जाओगे अगर आप मेरे आल वीडियोज़ देखोगे तो मैं बाकी आपके रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर दें कोई इस वीडियो में कमी रह गई हो या मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो वो भी आपने मुझे कमेंट में बता देना ताकि मैं आगे से उसको ठीक करूं क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है हो सकता है मैं भी एक सीखा है मैंने इस ये बात नहीं है लेकिन हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जो मेरे से मिस्टेक हो रही हो तो अगर आपको वो आती है तो वो भी आपने मुझे बता देना अपनी सजेशन दे देनी है और मोटिवेशन एक आपने कमेंट दे देना ताकि यार इतना मैंने जो टाइम आपके लिए लगाया और वीडियो बनाई है तो मुझे भी थोड़ा सा उसका फ़ायदा हो जाए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि जो कि एक नए न्य, न्यू वर्डप्रेस पे आना चाहते हैं वो इस पे आए और बाकी मैंने फ्री डोमेन और होस्टिंग का भी आपको बता दिया मतलब बिल्कुल इस तरह की ये वीडियो आपकी बना दिए कि आप एक रुपये खर्च किए बग़ैर सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर अगर आपको आज डब्ल्यू भी नहीं आता वेड प्रेस का तो आप वीडियो देखने के बाद एक आवर के बाद यार आप अपनी वेबसाइट खुद बना लोगे वेट प्रेस पर इतना मैंने आपको इस काबिल कर दिया तो इसी के लिए यार एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दो और अभी तक बेल आइकन की दबाया तो वो दबा दो तो यहाँ पर आने के बाद हम ऐड करनी थी यहाँ पर यहाँ पर मैं कर लेता हूँ हेडर पर आ जाता हूँ हेडर इन साइड बार हमें मिल जाती है साइड बार तो इसको भी हमने चेंज नहीं करना प्राइमरी नेविगेशन यार ये ना हर दीम का अलग से होता है इसलिए ये थोड़ी सी है कि ये हर दिन का जो मेन्यू होता है वो अलग से मेन्यू होता है तो यहाँ पर आ जाता हूँ राइट साइड बार तो हमारे पास ये राइट साइड बार था यहाँ पर आने के बाद मुझे कैटेगरीज मिल रहा था मैं क्या करता हूँ एड ए विजिट क्लिक कर लेना यहाँ पर तो हमने जो किया था यूट्यूब सब्सक्राइबर का देख सकते हैं YouTube सब्सक्राइब का पहले हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा था लेकिन अभी ऑप्शन आ गया जैसे हमने वो प्लगइन इंस्टॉल किया तो ये पावर होती है प्लगइन की अब कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करके कुछ भी करवा सकते हो वर्ड के अंदर तो अब जैसे इस पर तो क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास शो अभी कुछ नहीं हो रहा अभी लोडिंग हो रहा है तो हमने वेट कर लेते हैं थोड़ा सा तो यहाँ पर आ रहा है यूट्यूब और यहाँ पर सिक्स सिक्सटी थ्री ये ना उनका डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है तो आपने इसको मैंने अभी कुछ भी चेंज नहीं किया तो यहाँ पर आ जाते हैं टाइटल पे तो मैं टाइटल ये दे देता दे दे हूँ चैनल आईडी आपने दोबारा से दोनों चीज़ें इधर पेस्ट कर देनी है अगर मैं इसको ये देखें जैसे मैंने इसको पेस्ट किया और चेक करता हूँ तो मेरा अपना जो कि चैनल है वो यहाँ पर शो हो रहा है सब्सक्राइब टच हचाफ़ का और अगर इसको मैं शो फुल लेआउट करता हूँ तो आप देखेंगे इसका जो फुल लेआउट है वो इधर ओपन हो जाएगा जो कि ये देखें जैसे कि मेरे पास शो हो रहा है साथ इसकी एक इमेज आ रही होगी और फुल लेआउट भी यहाँ पर शो हो रहा होगा शो डार्क में आपको मैं करके दिखा देता हूँ डार्क दी इसका किस तरह से होता है बाकी आपको यार किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी चीज़ आप बनाना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रही हो तो आपने नीचे कमेंट कर देना आपको यार उसके अगले दिन ही आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा तो कुछ इस तरह से इसका डार्क लेआउट है तो ये भी अच्छा लग रहा है इतना बुरा भी नहीं है तो बाकी आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं इसको मैं पब्लिश पे क्लिक कर लेता हूं और अगर यार मैंने क्या किया था इसको ना सर्च के नीचे रखा हुआ था सर्च के नीचे लाने के लिए आपने जैसे इस तरह आएंगे इस पर क्लिक करना और इसको उठा के ऊपर ले जाना और दोबारा से इसको पब्लिश करूँगा तो ये देख सकते हैं सर्च के नीचे आ जाएगा यहाँ से मैं वेबसाइट को रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ आपको तो यार तकरीबन जो भी था बेसिक तो मैंने बेसिक टू एडवांस सब कुछ आपको जितना भी हो सकता था एक आवर के कोर्स में मैंने बता दिए उम्मीद करता हूँ यार आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, है तो आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ कि एक लास्ट में लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि इस तरह की वीडियो मैं डेली लेकर आता हूँ अपने अपने चैनल टच ऑफ हाँ पर तो आपने अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा उम्मीद है तो अगली वीडियो में मैं फ्रेंड इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके लिए लाऊंगा उसके अलावा फ्रेंड मैं आपको बताऊं अगर आपने मेरी वीडियो डॉट कॉम की नहीं देखी तो जल्दी से यहाँ पर जाकर डॉट कॉम की डोमेन क्लेम कर लें क्योंकि लिमिटेड ऑफर है और डॉट फ्री की डोमेन अभी तक नहीं आपने ली तो जल्दी से इसको भी आपने जाकर क्लेम कर लेना बिल्कुल फ्री में लिमिटेड ऑफर है, लिमिट है। इससे पहले कि एक्सपायर हो तो आप इसको भी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं उसके अलावा फ्रेंड मैं आपको बताऊँ मैं अपने चैनल पर एवरी संडे कुछ ना कुछ सॉरी यार पानी नहीं पिया एक आवर हो गया मुझे बोलते बोलते इस वजह से थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है तो उसको आपने थोड़ा सा छोड़ देना है उसको तो मैं कह रहा था कि मैं हर संडे को अपने चैनल पर करता हूँ गिफ्ट वे तो उस गिफ्टे में भी आप शामिल होना चाहते हैं शामिल हो सकते हैं उसके लिए फ्रेंड आपको एक स्पेसिफ़िक वीडियो मिल जाएगी हर संडे को जो मेरी वीडियो होती है वो उसी पे होती है जो भी वीडियो होती है उस पर मैं गिफ्ट वे करता हूँ एक साल की डोमेन का या फिर एक साल की होस्टिंग का डॉट कॉम की डोमेन का या फिर कोई भी टॉप लेवल की डोमेन का तो उम्मीद करता हूँ फिर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो फिर बहुत अच्छी बात है नहीं आई तो आप कमेंट करके बता दो कि आपको क्या बुरा लगा मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक आपने ख्याल रखना है अपना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपना ध्यान रखना है अल्लाह हाफिज़